उसको दूर करें और पुनः नियंत्रीकरण के लिए चर्चा किया जाएगा। तो हम सब लोग उस पर लगे हैं। हम शिक्षा मित्रों से ये अनुरोध करते हैं कि आप धैर्य रखिए। आपने जैसे कि कहा तो व्हाट्सएप फेसबुक पर लिख देना, कमेंट कर लेना, आत्मसंतुष्टि कर लेना, किसी को गाली दे देना, किसी के संदर्भ में कुछ भी लिख देना, ये एक बड़ा विषय है। आज 4-5 दिन के बाद भाई सुशील जी की कुछ तबीयत खराब थी, वो बीच में नहीं आ पाए, संभवतः कल आपके साथ बैठे थे तो 2-3 दिन उनकी तबीयत खराब थी, वो लोगों के बीच में नहीं आए। तो मैंने एक पोस्ट डाला और उस पोस्ट में हमने पूरा सार लिख दिया लोगों को। अब शिक्षा मित्रों को व्यवस्था में संतृप्तता तब होगी जब इनको लाभ मिलेगा, जब हमारा शासनादेश जारी होगा। और मैंने आपके चैनल पर धरना के दूसरे दिन कहा था कि अब वो दौड़ खत्म हुआ कि हम धरना प्रदर्शन और वार्ता करेंगे, अब हमारे शासनादेश जारी होने की प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए, हमारे समस्याओं का समाधान होना चाहिए। के दिशा में हम लोग बढ़े हैं और वहां काम कर रहे हैं और जल्द ही हम आप सबको और आपके माध्यम से लोगों को सुखद सूचनाएं प्रदत्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सभी को धैर्य रखना होगा, सभी ऐसा कि आपने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी के बगैर सहमति के ना हमको चौहान साहब मिला सकते हैं, ना कोई हमको विधायक मिला सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव से पहले अगले कमरे में मैं बैठा था, वेटिंग रूम में मैं बैठा था और हमारे पैरवी कार मुख्यमंत्री जी के पास बैठे थे और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इन लोगों से मैं समय पर चुनाव के बाद मिलूंगा। अब वो दौड़ है, बहुत जल्द हमारी मुलाकात भी होगी और समस्याओं के समाधान का सिलसिला भी शुरू होगा और उस प्रक्रिया में मैं लगातार लगा हूं, अनवरत इस पे काम हो रहा है। अब जाकी रही भावना जैसी, प्रभ मुहूर्त देखी तिन तैसी, जिसको जो लग रहा हो उस भाव से वो अपने भाव को देखे। मेरा भाव बिल्कुल अंदर से स्पष्ट है और ऊपर से भी वही है कि शिक्षा मित्रों का हित होना चाहिए, उसके लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ अनवरत संघर्षरत है। साथियों, वर्तमान में आप सभी चिंतित थे कि हाल ही में सरकार के अंदर क्या प्रक्रिया चल रहा है, क्या सरकार कोई कार्यवाहियां कर भी रही है या फिर नहीं, क्या शिक्षा मित्र स्थायी हो भी पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। इन सारी बातों को लेकर हाल ही के अंदर का एक डिबेट है, इस डिबेट को आप देखें। डिबेट के माध्यम से सारी बातें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि आखिर क्या क्या प्रक्रियाएँ चल रही हैं, सरकार कौन कौन से प्रक्रिया कर रही है, किन किन बातों पर विचार कर रही है। फिलहाल इस वीडियो की क्लिप को आप पूरा देखें और तमाम उन संगठन के साथियों को, उन तमाम संयुक्त मोर्चा के साथियों को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद और आभार देता हूं कि जिन लोगों ने समय निकाल करके हमारे उस मंच पर जा करके हमारे धरने का समर्थन किया और आज भी वो लोग अनवरत अधिकारियों और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में संपर्क करके हमारे लिए प्रयासरत हैं, इसके लिए उनको बधाई। तमाम जनप्रतिनिधि अब ऐसे हैं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जो आप चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान हो। ये हमारे एक साल के दौड़ का था समय, जब हमने संवाद से समाधान की तरफ जाने का प्रयास किया तो वो दौड़ था कि जब मैं मंत्रियों को घर जाता था तो वो हमसे बाइकाट हो जाते थे। आज का दौड़ है कि वो मंत्री, वो विधायक और माननीय विधान परिषद सदस्य आज माननीय मुख्यमंत्री जी से हर कार्यक्रम में, हर बैठक में, हर जब भी मिलते हैं तो शिक्षा मित्रों के समस्याओं पर चर्चा करते हैं और धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही हैं और शिक्षा मित्रों को निश्चित रूप से एक सुखद परिणाम मिलेगा। और कुछ लोग जो विरक्त होकर के, मैंने बहुत प्रयास किया बाइंडिंग का, मैंने बहुत प्रयास किया लोगों को जोड़ने का, तमाम लोगों के विचार आ रहे हैं। मैं सुबह 7 बजे तक लोग हमसे बात करते रहे और जो लोग गए उनको भी इस बात का भ्रम होना था कि भीड़ मेरे साथ है, भ्रम टूटा। लेकिन शिक्षा मित्रों से अधिक जो मेरे साथी वहां गए, उनको लोग तोड़ने का प्रयास जो 2004 में किए थे, वही विखंडन करने का प्रयास लोगों ने किया कि अगर एकता का स्वरूप प्रतिबद्धित होकर के जाएगा तो निश्चित रूप से सरकारें हिलेंगी। मैं गर्व से कह सकता हूं कि शिक्षा मित्रों ने दिखाया कि हम एक बैनर के नीचे हैं, एकता के साथ हैं। और अगर इतने बड़े समूह में जहां 1 लाख लोग एक तरफ बैठे हों और 500 लोग एक तरफ बैठे हों, तो जिनकी मानसिकता हमको तोड़ने की थी उनको खुद इस बात का एहसास करना चाहिए कि शिक्षा मित्र एक है, एक था, एक रहेगा। और अपनी भावनाओं को, अपनी
वेदनाओं को वो